Jesus says in John 14, 19, because I live, my children, you will also live. Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls a Prayer Festival Gujarat ka bahut swagat chhe. Jesus calls and God bless you. Yesu tamne bolave chhe ane Prabhu tamne aashirvad ape. Welcome my precious friends to the presence of the living God. Swagat hai mere pyare mitro jeevit parmeshwar ki upasthiti mein. My friend, मेरे दोस्तों, there's a beautiful scripture in Proverbs 17:17. नीति वचन 17वें अध्याय के 17वें वचन में बहुत सुंदर बात लिखी है। A friend loves at all times. जो सच्चा मित्र होता है, वो हर समय अपना प्रेम बनाए रखता है। But लेकिन a brother is born for times of adversity. लेकिन जो भाई है, वो पैदा हुआ है विपत्ति के दिनों में हमें संभालने के लिए। A friend is there during times of joy. और हमारे मित्र हमारे साथ आनंद और खुशी के समय होते हैं। But a brother appears only when we have trouble. लेकिन एक भाई तभी आगे आता है जब हम तकलीफ के दौर से जाते हैं। Maybe your brother has failed you. हो सकता है आपके भाई ने आपको निराश किया है। But the Bible says. लेकिन बाइबल कहती है। Romans 8:29. रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 29वां वचन। Hebrews 2:11. इब्रानियों 2:11 में। Jesus Christ is our elder brother. कि प्रभु यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है। He is your elder brother. वो आपका बड़ा भाई है। He may be a great rich man. हो सकता है कि कोई बड़ा अमीर व्यक्ति। He may be a famous man. या फिर आप कोई बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हो। The world may be at your feet. और हो सकता है दुनिया आपके कदमों में पड़ी हो। But yet you may be the most lonely person. इतना होने पर भी आप सबसे ज्यादा अकेले ऐसे व्यक्ति हैं। You are struggling all alone. और आप अकेले ही अपने जीवन का संघर्ष कर रहे हैं। You are unable to pour out your heart to anyone. और आप किसी के भी सामने अपने दिल की बात नहीं बता सकते। Call unto Jesus. प्रभु यीशु मसीह को पुकारें। He'll come to you right now. वो इसी समय आपके पास आएगा। As your elder brother. एक आपके बड़े भाई के रूप में। He loves you. वो आपसे प्रेम करता है। He loves you. वो आपसे प्रेम करता है। You may have been called as a big brother. हो सकता है लोग आपको बड़ा भाई कहते हो। But now, लेकिन अब, you need an elder brother. आपको और एक बड़े भाई की जरूरत है। That's Jesus Christ. और वो है प्रभु यीशु मसीह। Call. उसे पुकारें। He will answer. वो आपका उत्तर देगा। बहन इवांजेलिन पॉल दिनाकरन के संदेशों से लाखों लोगों ने अपने जीवन में अनुग्रह व समाधान प्राप्त किया है। आइए अब उनके द्वारा दिए गए संदेश के एक भाग को सुनते हैं। डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू मेडिटेट अपॉन द वर्ड दैट इज इन जॉन 1:16। द वर्ड सेज फ्रॉम द फुलनेस ऑफ हिज ग्रेस वी रिसीव वन ब्लेसिंग आफ्टर अनदर। ही इज द वन हु फिल्स एवरीथिंग इन एवरी वे। मित्रों, परमेश्वर ही है जो हमको भरता है और हर एक चीजों को हर एक रूप से वो भरता है। इन एफिशियंस 1:23 वी सी दैट। इफिसी 1:23 में हम उसे देखते हैं। He gives us complete joy, says John 15:11. योहन्ना 15 कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमें पूरा आनंद देता है। He gives his own peace that can never be taken from us. और वो हमें अपनी शांति देता है जो कभी हमसे छीना नहीं जा सकता। Dear friends, in John 14:27 और Jesus says so. योहन्ना 14:27 में मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह जो हमें यही कहते हैं। He gives us his own righteousness that it can never be tarnished. और वह जो है अपनी स्वयं की धार्मिकता हमें देता है, ऐसी धार्मिकता जो कि कभी भी क्षय नहीं हो सकती। His peace can never be disturbed. उसकी शांति जो है उसे कभी भी खत्म नहीं की जा सकती। His peace can never be withdrawn. उसकी शांति जो उसे कभी वापस छीने नहीं जा सकती। He is having all these blessings with him for him to bless us. और वो अपने साथ इन सारी आशीषों को हमारे लिए लेकर के आया है कि उनसे हमें आशीष दे। In the same way, when a meeting was held in a place called Kovilpatti.
ऐसे ही बिल्कुल जब कोवलपट्टी नाम की जगह में एक सभा का आयोजन था इन तमिलनाडु जो कि तमिलनाडु में है आवर फैमिली बिफोर आई गॉट मैरिड वी वर हियर लाइक दिस और हमारा जो परिवार था विवाह के पहले हम कुछ ऐसे ही थे फ्रॉम द बिगिनिंग द रेन वाज पोरिंग उस दिन भी शुरू से ही बारिश हो रही थी दोस डेज ऑफ फादर एंड मदर एंड माय हस्बैंड वर प्रीचिंग उन दिनों में मेरे पिता और मेरी माँ और मेरे पति जो थे प्रचार कर रहे थे आई वॉज अ स्मॉल चाइल्ड मैं तो उस समय बस एक छोटी बच्ची थी आई हैड वन ब्रदर एंड वन सिस्टर मेरे पास एक छोटा भाई और एक बहन थी बट देन सीइंग दैट रेन वी ऑल वेंट एंड सैट इन आवर कार और ये सब बारिश को देख करके हम जो है भाग करके अपनी कार में बैठ गए वी डिडंट वांट टू हैव आवर क्लोथ्स वेट हम नहीं चाहते थे कि हमारे जो कपड़े हैं वे भीग जाएं बट देन माय मदर शी Just stood like you, dear friends. लेकिन तब मेरी जो माँ थी मेरे प्रिय मित्रों आप लोगों के जैसे बाहर खड़ी रही In the pouring rain, she was standing all through. मूसलाधार बारिश के बीच में भी वो जो थी खड़ी रही पूरे समय And our father was delivering the Lord's word. और हमारे पिता जो है वो प्रभु के वचन को बांट रहे थे The prayer time was over. प्रार्थना का समय खत्म हो गया And for the whole time she was standing in the pouring rain. और पूरे समय वो जो थी बस मूसलाधार बारिश के बीच में भी खड़ी रही Do you know what happened on that day? क्या आप जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था My mother had eczema in her legs. मेरी जो माँ थी उनके पाँव में एक्सीमा का रोग था She used to scratch her legs everywhere she goes. और जहाँ कहीं भी वो जाती थी हमेशा वो अपने पाँव को खुजाती रहती थी इस चमड़ी के रोग के कारण से But with so much faith as she was praying on that day lekin us din jab pure vishwas ke sath wo jo thi prarthna mein lagi rahi the lord touched her परमेश्वर ने उसे छू लिया The Lord touched my mother and healed her. प्रभु ने उसे छुआ और उसने मेरी माता को चंगा किया Dear friends, let all glory belong to Jesus. मेरे मित्रों सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु The same God is here, dear friends. और आज वही परमेश्वर यहाँ पर है मेरे प्रिय मित्रों Nobody can take The blessings that God is giving you today. आज परमेश्वर आपको जो आशीष दे रहा है कोई उसे आपसे छीन नहीं सकता He is having so much grace in him, dear friend. मेरे मित्रों उसके अंदर उसने इतनी ज्यादा करुणा रखी है He is full of grace. वो तो करुणा से परिपूर्ण है He is full of blessings. वो आशीषों से परिपूर्ण है He is having so much joy in him. उसके अंदर इतना ज्यादा आनंद है He is having so much grace in him. उसके अंदर इतना ज्यादा अनुग्रह है No devil can take that. कोई शैतान उसे छीन नहीं सकता No man can take that. कोई मनुष्य उसे छीन नहीं सकता Every blessing will have to come upon you today. आज हर एक आशीषों को आपके ऊपर आना ही होगा Hallelujah. Hallelujah. From His grace we receive one blessing after the other. उसके अनुग्रह से हमने एक के बाद एक आशीषों को पाया है The same God who healed my mother will heal you also today. उसी परमेश्वर ने जिसने मेरी माता को चंगा किया आज वो आपको भी चंगा करेगा Hallelujah. 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 Whatever may be the sickness you are having. चाहे आपको कोई भी रोग या बीमारी क्यों ना हो You may be having skin disease. आपको शायद चमड़ी का रोग हो You may be having boils. हो सकता आपको फोड़े हो You may be having tumors. आपको ट्यूमर चाहे क्यों ना हो Today God is going to touch you. आज परमेश्वर आपको छूने वाले हैं He is our shepherd. वही हमारा चरवाहा है He will be always with you, dear friend. मेरे प्रिय मित्रों वो आपके साथ हमेशा रहेगा Near us are still waters. हमारे पास तो निर्मल जल के झरने हैं Under us are green pastures. और हमारे नीचे में हरी हरी चराइयां हैं जहां वो हमें चराएगा Before us, he has prepared a table before our own enemy. और हमारे लिए उसने हमारे शत्रुओं के सामने में एक मेज तैयार की है. Before the devil. उस शैतान के सामने. He has prepared a table before you, dear friend. आपके सामने उसने एक मेज तैयार की है मेरे प्रिय मित्रों. Goodness and mercy will follow you. निश्चय ही भलाई और करुणा आपके साथ बनी रहेंगी. All these blessings will come upon you today. और ये जितने भी आशीष हैं वे आज आपके ऊपर में आएंगी हालेलुया हालेलुया प्रेज गॉड परमेश्वर की स्तुति हो सच अ लविंग गॉड वो इतना प्रेमी परमेश्वर है फॉर अस टू नो हाउ डीप हाउ वाइड
how long his love is, he will come and fill us with all his fullness. और इसको जानने के लिए कि उसका प्रेम हमारे लिए कितना लंबा, चौड़ा, गहरा और ऊंचा है, वो आएगा और आज हमें से हर एक को अपनी पूर्णता से वो भर देगा। Ephesians 3:19 and 20 says so. इफिसी 3 वचन 19 और 20 यही कहता है। Even more than you ask. आपके मांगने से कहीं बढ़कर। Even more than you imagine. आपकी कल्पना और सोच से बढ़कर। The Lord is able to give us more than we ask. परमेश्वर हमारी मांग से ज्यादा हमें देने के लिए सक्षम है। He is so rich unto all who call upon him. अपने हर एक पुकारने वालों के लिए वो इतना ज्यादा धनी है। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। So let us rejoice today. इसलिए आइए आज हम आनंद मनाएं। Over the blessings that is going to be poured upon us. उन आशीषों के लिए जो आज हमारे ऊपर उंडेली जाएंगी। Today he will open the windows of heaven. आज वो स्वर्ग के झरोखों को खोलेगा। And he will pour out his blessing. और वो अपनी आशीषों को आप पर उंडेलेगा। Hallelujah. Hallelujah. You will no longer fail in anything. आप किसी भी चीज में सफल न होंगे। You will not lose anything. आप कोई चीज खोएंगे नहीं। You will not lack in anything, dear friend. प्रिय मित्रों, आपको किसी चीज की कोई घटी न होगी। Hallelujah. Hallelujah. Those who seek the Lord will have all the good things. वे जो परमेश्वर को खोजेंगे, जो उसकी आवाज को सुनेंगे, वे सारी भली वस्तुओं को प्राप्त करेंगे। Our loving Lord will never withhold any good thing. हमारा प्रेमी प्रभु उनसे किसी भी भली वस्तु को न रख छोड़ेगा। From those who seek him. वे जो उसको ढूंढते हैं उनके लिए। Today more than us, our Lord is so anxious to bless every one of you with all the fullness. आज हमसे कहीं बढ़ करके हमारा परमेश्वर इस चीज के लिए लालायित है कि वो आपको पूर्णता से आशीष दे। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Because our Lord gives us more grace. क्योंकि परमेश्वर हमें और ज्यादा अनुग्रह देता है। Paul boasted like this. और पौलुस जो था ऐसा ही घमंड करता है। I boast in all my iniquities. मैं अपने हर एक कमजोरी पर घमंड करता हूँ। For the sake of Christ. मसीह के कारण से। I even take pleasure in my iniquities. यहाँ तक कि मैं अपने कमजोरियों के कारण से आनंदित होता हूँ। In my distress, मेरी परेशानियों में। In my suffering, मेरे दुख उठाने में। Because when I am weak, I am strong, he says. क्योंकि वो कहता है कि जब भी मैं कमजोर होता हूँ तो मैं मजबूत होता हूँ। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Let all glory go to God. होने दे कि सारी महिमा परमेश्वर को मिले। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। You may be so weak today. आज हो सकता है बड़े ही कमजोर हैं। You may have come with all the problems in life. अपने जीवन की हर एक समस्या के साथ यहाँ आए होंगे। Today let us take pleasure and say, Lord, I boast in my iniquities. आइए आज हम आनंद मनाएं और कहें, प्रभु जी, मैं अपनी कमजोरियों में आनंदित हूँ। For the sake of Christ. मसीह के कारण से। So that the power of God will come upon me. ताकि मुझ पर परमेश्वर की सामर्थ्य आ जाए। Hallelujah. Hallelujah. David says. दाऊद कहता है। In Psalm 63:5. भजन संहिता 63:5 में। My soul shall be satisfied as with marrow and fat. यहाँ पर दाऊद कहता है वचन पांच में, मेरा प्राण मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा। And my mouth will praise with joyful lips. और मेरी जीभ मानो जय जयकार करते हुए तेरी स्तुति करेगी। Today you are also going to jump like that. आज आप भी बिल्कुल ऐसे ही आनंद के मारे में थिरकेंगे, नाचेंगे। Hallelujah. Hallelujah. You will be praising and going home. आप स्तुति करते हुए अपने घर वापस लौटेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Our little daughter Sweetie always does that. हमारी छोटी बेटी स्वीटी जो हमेशा यही करती है। Sometimes she will ask us to go and buy something for her. कई बार वो हमसे जाकर के कुछ खरीदने के लिए कहती है। She will also come along with us. और वो भी हमारे साथ आएगी। And then when we get her
what she needs, she will jump with joy. और जब उसको जो चाहिए वो जब मिल जाता है तो वो आनंद के मारे नाचने लगती है. While coming back home, she will be all the time saying, "Thank you, mommy, thank you, daddy." और वापस घर लौटते समय वो यही कहती रहेगी, माँ आपको धन्यवाद, पापा आपको बहुत धन्यवाद. All through the journey, she will be thanking us. पूरे रास्ते यात्रा में वो हमेशा धन्यवाद करती रहेगी. And even in the car, she will be jumping like anything. और यहाँ तक कि कार के अंदर भी बस वो उछलती कूदती रहेगी. And our children Sam and Sharon will also thank us and hug us and kiss us. Sam और Sharon जो है वो भी न केवल हमारा धन्यवाद करते हैं लेकिन हमें आलिंगन में लेते और चुंबन देते. Today you are all going to do that. आज आप में से हर एक बिल्कुल यही करने वाले हैं. Hallelujah. Hallelujah. Such a blessing will come upon you today. आज आपके ऊपर में ऐसी ही अद्भुत आशीषें आने जा रही हैं. Whatever you ask, आप जो भी मांगे, the Lord will give it to you. आज निश्चय परमेश्वर आपको उसे देंगे. Our Lord says, whatever you ask in my name, हमारा प्रभु कहता है कि तुम मेरे नाम से जो भी मांगोगे, I have to give. मुझे तुम्हें देना होगा. Because I am your father. क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ. Like my mother, you also having so much faith. And you are standing in this rain. मेरी माँ की तरह ही आप भी इतने ज्यादा विश्वास रखते हैं और इस बारिश में भी इस तरह खड़े हैं. Will he not be pleased with you? तो क्या हमारा प्रभु आपसे प्रसन्न ना होगा? Hallelujah. Hallelujah. Today I am going to pray for you. आज मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ. Shall we all look up to Jesus? आइए हम सब प्रभु यीशु मसीह को निहारें. Our loving Lord Jesus. हमारे प्रेमी प्रभु यीशु. Who has all the authority in earth and on heaven. जिसे सारी पृथ्वी और स्वर्ग पर पूरा अधिकार है. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी. He is so strong. ओ आप इतने सामर्थी हैं. Our Jesus is a mighty warrior. प्रभु यीशु क्रिस्त सामर्थी योद्धा है. Our Lord is a mighty warrior. हमारा प्रभु सामर्थी योद्धा है. The Egyptians that you are seeing today, you will never see again. जिन मिश्रियों को आज तुम देख रहे हो उसके बाद तुम उन्हें आगे कभी ना देखोगे. You will see the deliverance today. आज ही आप छुटकारे को देखेंगे. Stand still and know that he is God. शांत रहो और जानो कि वह परमेश्वर है. Hallelujah. Hallelujah. Lord, bless them today, Lord. प्रभु जी आप उन्हें आज आशीष दें. As you have promised today to bless them with all the blessing. जैसे आज आपने प्रतिज्ञा की उन्हें सारी आशीषों से आशीष देंगे. Lord, with all the fullness of God. परमेश्वर की सारी पूर्णता के साथ प्रभु जी. Lord, come and bless them, Lord Jesus. आप आकर के उन्हें आशीष दें प्रभु यीशु. Hallelujah. Hallelujah. Now the blessings are coming upon you. अब आशीष आप पर आ रही हैं. The Lord is answering every one of your prayers. प्रभु आप में के हर एक की प्रार्थनाओं का जवाब दे रहे हैं. Each and every one of your need is being met by the loving Lord. प्रेमी परमेश्वर के द्वारा आपकी हर एक घटी पूरी हो रही है. With all his love. उसके सारे प्रेम के साथ. With all his power. उसकी सारी सामर्थ के साथ. He is blessing you today. आज वो आपको आशीष दे रहा है. Receive your blessings. अपनी आशीषों को पाएं. Receive your healing. अपनी चंगाई को ग्रहण करें. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु. Come on, give glory to God. चलिए परमेश्वर को महिमा दीजिए. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी. Lord, fill them with all your fullness, Lord. ओ प्रभु आप अपनी पूर्णता से उन्हें भरें. With all the measure of fullness, come upon them, Lord. आप पूर्णता के साथ उनके ऊपर में उतर आए. Come upon them without measure. आप बेपरिमाण रूप से उनके ऊपर में उतर आए स्वामी. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु. For going with them, Lord. आज उनके साथ जाने के लिए. Let them carry all the blessings with them. वो अपने साथ हर एक आशीषों को लेकर जाए. Lord, let the uteruses that are not having children, let the uteruses carry a child in Jesus' name. बोलते हैं प्रभु जी कि जिन गर्भाशयों में संतान नहीं रह रहे, ठीक नहीं पा रहे, उन गर्भों में आप एक संतान को यहाँ उनके साथ भेजें. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी. We give you all
ऑल द ग्लोरी हम आपको सारी महिमा देते हैं ऑल द ग्लोरी सारी महिमा लॉर्ड वी प्रेज यू मास्टर आपकी हम स्तुति करते स्वामी वी थैंक यू लॉर्ड जीसस आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु लेट योर मर्सी एंड्योर फॉरएवर आपकी करुणा सदा काल तक बनी रहे प्रभु जी हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु गो विद जीसस यीशु के साथ यहां से जा गो विद ऑल योर ब्लेसिंग्स अपने हर एक आशीषों के साथ जा परमेश्वर ने आपको पहले आशीष दी यू विल हैव अ जॉब आपको एक नौकरी मिलेगी यू विल हैव अ हाउस आपको एक घर मिलेगा यू विल हैव अ पार्टनर इन लाइफ जीवन के लिए आपको एक साथी मिलेगा यू विल हैव द ट्रांसफर्स एंड प्रमोशन आप इच्छित स्थानांतरण और पदोन्नति को पाएंगे लेट द लॉर्ड प्रॉस्पर यू प्रभु आपको उन्नत करने पाए वी हैव अ गॉड हु रिचली ब्लेसेस व्हेन वी कॉल अपॉन हिम हमारे पास ऐसा ईश्वर है जो उससे हम जब पुकारते हैं तो वह बहुतायत के साथ आशीष देता है व्हेन यू बिलीव यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड जब आप विश्वास करेंगे परमेश्वर की महिमा को थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद प्रभु जी आमीन आमीन